गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम चैप्टर 11 हिंदी फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं. जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि किस प्रकार केकई ने दशरथ को कहा कि आप श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए, और केकई के वचन मानने पर दशरथ जी ने उनको वनवास दिया और पिता की आज्ञा पाकर वह तुरंत ही वनवास के लिए निकल गए और खुशी से निकले. उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी थे. भरत ने केकई के कहने पर उस सिंहासन पर बैठने से बिल्कुल भी मना कर दिया कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकूंगा. वो वन में श्री राम जी के पास गए और उन्होंने राम जी से बोला कि आप मेरे साथ चलिए और सिंहासन पर बैठिए. श्री राम ने मना किया कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा. तब भरत जी उनकी चरण पादुका लाए और 14 वर्ष तक उन्होंने उसी सिंहासन पर वह पादुका रखी और राजपाट किया. आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं. एक दिन लंका के राजा रावण की बहन एक दिन लंका की जो राजा था रावण था उसकी बहन सुपर्णा ने लक्ष्मण जी को देखा और ऊपर मोहित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला कि आप उससे विवाह करिए. लक्ष्मण ने स्पष्ट मना कर दिया. जब वह नहीं मानी तब लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिया. इस बात से रावण को बहुत गुस्सा आया और रावण ने बदला लेने की सोची. जब रावण ने बदला लेने की सोची तो उसने अपने मामा मृंच को बुलाया और एक मृग यानी कि हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा कि आप स्वर्ण मरण बनिए और वन में सीता की कुटिया के पास जाइए. जब मरिच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर उस वन में आए जिसे सीता जी ने देखा तो सीता जी ने जिद करी कि मुझे वो मृग चाहिए. तो श्री राम जी उसे लेने के लिए गए. श्री राम जी जाते जाते लक्ष्मण से कह के गए कि आप सीता जी की रक्षा करिएगा और कहीं भी मत जाना. इस बात के बाद मरिच और रावण की जो आगे की चाल थी उसमें मरिच ने जोर जोर से राम जी की आवाज में चिल्लाना शुरू किया कि लक्ष्मण सहायता करो, लक्ष्मण सहायता करो. यह आवाज सीता जी और लक्ष्मण दोनों को सुनाई दी. लक्ष्मण नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने भाई के वचन को निभाना था कि आप सीता जी की रक्षा कीजिएगा. लेकिन सीता जी के दबाव के कारण वो श्री राम के पीछे पीछे गए और देखा तो वहां कोई भी नहीं था. जब श्री राम वापस खाली हाथ लौट गए तब उन्होंने देखा कि कुटिया में कोई भी नहीं है. कुटिया में कोई क्यों नहीं था कि जब लक्ष्मण जी निकले उसी के पीछे झाड़ियों में पेड़ों के झुंड में रावण घात लगाए बैठा था एक सन्यासी के रूप में और उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया. सीता जी को कुटिया में नहीं पाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी के सहित वन में उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े. वानरों के राजा सुग्रीव और उसके आगे वानरों के राजा सुग्रीव और उनके मित्र हनुमान ने राम और लक्ष्मण की सहायता की. वानर सेना ने सब कुछ जैसा कि बताया कि वानर सेना ने उनकी बहुत सहायता की थी. वानर सेना ने समुद्र में बड़े बड़े पत्थर लगाकर एक पुल बना दिया. समुद्र लांघ कर राम लंका पहुंची. लंका में रावण और राम के बीच घमासान युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा गया. राम को सीता मिल गई. साथ ही राम का 14 वर्ष का वनवास भी पूर्ण हुआ. वह सीता लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौट आए. अपने प्रिय राम को देख भरत के साथ साथ अयोध्या की सारी प्रजा फूली न समाई. भरत ने 14 वर्ष अयोध्या का राजपाट संभाला. राम को राजा बनाया गया. उनका शासन इतना न्यायपूर्ण और अच्छा था कि आज भी लोग राम राज्य को आदर्श मानते हैं. कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी उसका कुछ अंश इसमें बताया गया कि किस प्रकार श्री राम जी ने अपना जीवन यापन किया.